कीमतें कम करते तो मुझे क्या पड़ा था कि मैं लोकल इंडस्ट्री को अब चूंकि उन्होंने इंकार कर दिया तो हम पांच साल तक के जो इस्तेमालशुदा ट्रैक्टर हैं उनको हम इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं और जो पांच साल जिनकी उम्र है इस्तेमालशुदा उनको तकरीबन ड्यूटी में पचास फीसदी ड्यूटी उनको उनकी उन, उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में अगर अगर तीन साल पुराने हैं तो छत्तीस परसेंट ड्यूटी में रिबेट मिल जाएगा उनको अगर चार साल तो उसी कैलकुलेशन और पांच साल तक पांच साल अपर लिमिट है फिफ्टी परसेंट भी अपर लिमिट है पचास फर, दे उनको ड्यूटी में उनको उनको रिबेट उनको सहूलत मिल जाएगी ताकि किसान जो है वो बाहर से ट्रैक्ट्रस लेके आए और जरिए शोभा जो है वो आगे बढ़े और आगे चले अलावा पांच लाख टन यूरिया के इंपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है दो लाख टन आ चुका है यूरिया इंपोर्ट आ, हो चुका है पाकिस्तान वो कितना पहुंच गया भाई दो लाख दो लाख पहुंच, पहुंच गया और इसके लिए मैं मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ को और चौधरी इमदाद इमदादाल को भरपूर सलाम पेश करता हूं, इन्होंने 600 डॉलर से कीमत स्टार्ट हुई मुझे याद है इट्स ऑन माई फिंगर टिप्स और वो 600 डॉलर वो जी टू जी का सौदा था जी टू जी का और ये 500 डॉलर पर लेके आए कीमत अल्हम्दुलिल्लाह और 100 डॉलर पर टन इन्होंने कीमत कम कराई 100 डॉलर पर टन को 2 लाख टन से आप आप मल्टीप्लाई कर लें तो पता चल जाएगा कि कितने मिलियन डॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कीमत कम हुई मैं इस वक्त चूँकि संजीदा बात कर रहा हूँ संजीदगी साथ कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत का और अब का आप मवजन कर लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जिन्होंने पहले शुगर एक्सपोर्ट की फिर शुगर इम्पोर्ट की शुगर एक्सपोर्ट करने में अरबों पाकिस्तान के जेबों में लोगों के चले गए फिर शुगर इम्पोर्ट की गंदम एक्सपोर्ट की पीर गंदम इम्पोर्ट की गैस सस्ती तरीन गैस मिलती थी तीन डॉलर पे वो नहीं, वो ना ली आज गैस मिलती नहीं है ढूंढने से नहीं मिलती आप जानते हैं कि क्या सूरत हाल है तेल और गैस की तो दो लाख टन आ चुका तीन लाख टन यूरिया और उसके लिए बायदा इंज़ाम किया जा रहा है वो इन आएगा इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जरिए शोबे को खुद कफील और बहुत तकड़ा बनाने के लिए और और पाकिस्तान के माश को तकड़ा करने के लिए यूरिया की मद में तीस अरब रुपए की सब्सिडी देने का इसमें ये इसको ये अमाउंट जो है ये हमने इसके लिए मुख्त की है तीस अरब रुपये यूरिया की सब्सिडी के लिए जो आएगा उसमें हुकूमत पाकिस्तान मजीद तीस अरब डालेगी ताकि किसान को सस्ता यूरिया मिल सके इसके अलावा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ फिर मैं एक दो बड़ी आइटम करवाऊंगा कि जो ट्रैक्टर्स अगर कोई नया जो एंटरपोनोर इसमें आएगा अब देखें अभी इसका तो मुनापली है लुक एट दिस कि भाई आपने अरबों खरबों कमा लिए हैं पिछले चालीस सालों में और मैं किसी बैंस में नहीं पढ़ना चाहता जो इंडिजनाइज होनी थी या लोकलाइज होनी थी लेट से ट्रैक्टर के सौ मैं मिसाल दे रहा हूँ सौ हैं स्पेयर पार्ट्स हैं तो एक वक्त आना था कि वो हंड्रेड परसेंट पाकिस्तान में वो बनना था वो बतदरीज ये चालीस साल अपना से अपना चालीस साल पुरानी ये प्लांट्स लगे हुए हैं और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस ज़माने में इनको एक प्रोग्राम दिया होगा कि आप हर साल आप करेंगे यानी इंडिजनाइज मतलब यह है कि अगर आपको पहले साल में साठ कॉम्पोनेंट्स बाहर से ला रहे हैं चालीस आप लोकल बना रहे हैं तो अगले साल आप पचास बाहर से लाएंगे पचास लोकल बनाएंगे

आप दुनिया इधर की उधर हो जाती आप वो पार्ट्स कॉम्परेंट्स बनाते हैं इस मुल्क में जिस तरह मैं मैं अच्छी मिसाल मगर मिसाल देनी पड़े जिस तरह हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान में हंड्रेड परसेंट डेलिशन दें इन 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 मशीनों की इन फैक्ट्रीज की हंड्रेड परसेंट कॉम्बाइन हारवेस्ट वहाँ बनते हैं वहाँ पर और चीज़ें बनती हैं ज़रिए आलात बनते हैं जिनकी सौ फीसद डेलिशन हिंदुस्तान में हो चुकी है और हम आज भी उसी मुझे नहीं पता इनकी कितनी है डेलिशन कितना हो गया अचीव क्या है आज ये मुझे कह रहे हैं कि नाइनटी परसेंट नाइन्टी परसेंट अगर अचीव कर लिया अभी भी दस परसेंट बाकी है उसमें क्या उसमें चीज माने जो चालीस साल के अरसे में नाइन्टी परसेंट यह पहुंचे हैं तो कहने का मकसद यह है कि हमने पूरी कोशिश की ये नहीं माने अब हमने ये ये भी फैसला किया है कि जो ट्रैक्टर्स की इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टर आएगा उसको हम सी के डी कंप्लीटली नॉकडाउन जो पार्ट्स जो बाहर से इम्पोर्ट होंगे उनकी ड्यूटी हमने 35 परसेंट से कम करके 15 परसेंट भी कर दी है ताकि उनको हम इंसेंटिवाइज़ करें कि वो आएँ और इस इंडस्ट्री में आके कर सरमाकारी करें पाकिस्तान के सरमाकार बाहर के सरमाकार जहाँ से भी वो चाहते हैं वो सरमाकारी करें और उनको हमने अब जो पुराने अब पुराने के जब हम हमारी भी कम कर भाई तुमने तो आपने तो अरबों खरबों कमा ली है आपकी ड्यूटी हम क्यों कम करें आप तो कीमत भी कम नहीं कर रहे अब हम नए इन्वेस्टर्स को हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनको उनको हम इंकरेज कर रहे हैं कि आप आए आके यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और आपको जो सिक्योरिटी कंडीशन में आप पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे ड्यूटी जो है थर्टी फाइव परसेंट से पंद्रह परसेंट कर दी जाएगी इसके अलावा गंदम के बारे से मैं आपको बता दूं कि गंदम जो है वो पिछली हुकूमत ने चूंकि आपको याद है खाद मिलती नहीं थी ब्लैक हो रही थी आप सब जानते हैं उसकी बिना पर चूंकि गंदम की पैदावार कम कम हुई थी जिसको पंजाबी में कहते झाड़ कम हुआ था हमें मजबूरन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी जो कि हमने की है अब जब चूंकि सैलाब आए हैं तो हमने फिर हिफ तो गंदम हमने फैसला किया मशावरत के साथ कि हम एक सोलह लाख टन गंदम और इम्पोर्ट करेंगे अब टोटल 2.6 मिलियन टन यानी 26 लाख टन गंदम इम्पोर्ट होगी 10 लाख टन आ चुकी है पहुंच चुकी है और उसके लिए भी अलहमद ला मुतल वज्रा ने और अफसरान ने बड़ी यानी सबसे कम बोली देने वालों से भी कीमतें कम कराई अलहमद मैं इनको भरपूर क्रेडिट देता हूँ शाबाश देता हूँ इनकी इनकी कौमी जो अहमियत है कौमी कमिटमेंट है ये उसका बड़ा एक वाजूत है तो दस लाख टन गंदम आ चुकी सोलह लाख टन गंदम मजीद मंगवाई जा रही है ताकि और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताली के फर्क करम से और इनकी मुकम्मल मुशावरत छानबीन के बाद के गंदम की कोई हमें इन शाला प्रॉब्लम नहीं होगा और सूबों को जब भी सूबे चाहेंगे वो गंदम उनको मुहैया कर दी जाएगी मैंने क्यों कहा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करूँगा इसलिए नहीं कि खुदा न खासा प्राइवेट सेक्टर कोई अपना बदयानात है बिल्कुल नहीं लेकिन इस वक्त जब हमें एक एक डॉलर हमें बचाना है और यह नहीं कि हम जहाँ फरिश्ते बैठे हैं लेकिन एक एक इज्तमाही जब एक काविश हो रही है और कोशिश हो रही है तो उसका फायदा यह है कि हम एक एक डॉलर बचा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेट से कह जी हमें मुझे ये अपना इस कीमत पर गंदम मिली है और मैं आगे बेच रहा हूँ तो ये मुनासिब बात नहीं है जब अच्छा वक्त आएगा तो आप फिर इम्पोर्ट कर लीजिएगा इस वक्त एक इजमाही कावश अजतमाही बसरत से एक सुपरवाइज तरीके से हम ये सौदे किए जा रहे हैं और जब पता चलता है कि मार्केट में ये बेस्ट प्राइस है तो हम फिर वो अवॉर्ड करते हैं और वो ई सी सी में जाता है और फिर आगे कैबिनेट में जाता है तो दस लाख टन गंदम आ चुकी सोलह लाख टन गंदम का इंतज़ाम किया जा रहा है आखिरी दो पॉइंट्स जो मैं जो कहना चाहता हूँ जिसके लिए किसान भाई जो हैं वो बेदाब होंगे कि भाई बिजली के ऊपर क्या किया तो दो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ पहली बात यह है कि पाकिस्तान में तीन लाख ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली से चलते हैं बिजली से ये डीजल में जो चलते हैं वो उसके अलावा हैं ये सिर्फ बिजली से एक हमने चूंकि हम मैसिव सोलन की तरफ जा रहे हैं दस हज़ार मेगावाट वो एक मंसूबा है जिसमें अपना ज़ाहिर है कि रातों रातों नहीं होगा लेकिन उसकी तरफ पेश कदमी हमने कर दी इसी तरीके से यह भी एक मनसूबा है जिसकी तरफ हमने एक फैसला किया है कि महंगी बिजली जो किसान को देनी पड़ती है उससे हम उनकी जान छोड़वाएं और ये हमारा टॉप प्रायोरिटी होगी इन ये तीन लाख ट्यूबवेलों को हम कर्जे मुहैया करेंगे जो उनके मालिकान हैं इंटरेस्ट फ्री यानी हुकूमत पाकिस्तान इनकी जो सर्विस चार्ज हैं इनके इनको जो कर्जे मिलेंगे और कर्ज़े दिलवाने में भी हुकूमत पाकिस्तान उनकी पूरी तरह उनका हाथ उनके साथ बढ़ाएगी हाथ पकड़ेगी उनका तीन लाख ट्यूबवेल जो जो हैं उनको हम सोलर ले जाने के लिए सोलर पे ताकि उनकी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी उनको कर्जे दिलवाए जाएंगे और उनके कर्ज़ों के ऊपर सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान उनको देगी उन ट्यूबवेल के जो किसान जो हैं उनके मालिकान को और दूसरा इनको जो इंसेंटिव ये दिया जा रहा है कि आज हकूमत पाकिस्तान ने तमाम तरह मुश्किल अगर जरूरी पैदावार अगर हमने ना बढ़ाई तो फिर आपके अरबों डॉलर लग जाएंगे गंदम इंपोर्ट करने में और दूसरी है इंपोर्ट करने में कॉटन इंपोर्ट करने में हमारे पास तो एक, -एक डॉलर जो है वो मापा हुआ है कि हमने जो भाई अब हारी है तो पहले क्या हो गया था मेरा ख्याल वो चूँकि पैकेज इतना बड़ा है उसके बोई तले दब गया माइक ये तकरीबन छः सौ अरब रुपए के लगभग ये टोटल पैकेज है जिसमें मैंने आपको हर जो जुज है उसको पूरी तरह ईमानदारी से एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने जो फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन्होंने डिस्काउंट दिया है मैंने बता दिया किस तरह हुकूमत हुँमत हुकूमत के अरकिन ने वज्राह ने किस तरह कोशिश की सेक्रेटरीज ने सब ने तो इसमें कोई इबाम नहीं है मगर ये टोटल ओवरऑल ये पैकेज जो है ये छः सौ अरब से भी तजावज़ कर जाता है उसमें बिजली की जो इस वक्त लेकिन ये जाहिर है सोलर जो जो ट्यूबल्स में बदलेंगे मैं कल चाइना जा रहा हूँ वहाँ पर भी चीनी जो सरमायकार उनको दावत दूंगा आए पाकिस्तान में और सबसे पहले ये लें जो कि विन विन जो प्रोजेक्ट है ट्यूबवेलों के ऊपर सोलर गए पेज यू जो जो अपना किसान जो है उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा मोटी बात समझा रहा हूँ कि जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो, 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 जो कर्जा है उसकी पूरी जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इन इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मारात हो नहीं सकती जो कि मखलूत हुत मखलूत हुकूमत ने जो जिसका फैसला किया अब आए मगर दिस विल टेक टाइम ये आज आज तो नहीं होगा कल तो होगा परसों तो होगा महीने में होगा यानी आहिस्ता आहिस्ता ये तीन लाख जो हैं इन शह सोलह रुपये आते जाएंगे लेकिन फौरी तौर पर उनको हम बिजली के मद में क्या रिलीफ दे सकते हैं लिहाजा फैसला हुआ है कि हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से सिर्फ फिक्स कॉस्ट तेरह रुपये फी यूनिट जिसके ऊपर तरतालीस अरब रुपये की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है फिक्स तो तो कॉस्ट वो तो सौ रुपए तो पहले दिए उसके एडिशनल मैं बात एडिशनल एडिशनल जो है वो एडिशनल तेरह रुपए फिक्स की जा रही है कीमत जो कि पहले ज्यादा थी पता नहीं साढ़े सौ जो भी है हम उसको फिक्स कॉस्ट लेंगे तेरह तेरह रुपए फिक्स कॉस्ट उसके लिए हमें इजाफी तरतालीस अरब रुपए किसान को हम देंगे अपने किसान को ये बिजली कम करने के मद में हम उसको मुहैया कर रहे हैं मेरे भाइयों यहाँ पर बुजुर्ग तो कोई नहीं बैठा लिहाजा मेरे भाइयों ये सूट पहना हुआ ये नौजवान लगते हैं अरबी में कहते हैं शबाब बल्कि जवानी है माशाल्लाह तो ये ए, मेरी ये बहन बैठी हैं तो बात सुन ले नहीं मैं खामन ये कर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे शानदार पैकेज मेरा ख्याल है कि आ, नहीं हो सकता था और ये मैं मखलूत हूँ हुकूमत के तमाम जो माँ को जनाब मियाँ नवाज श्रीफ साहब को जनाब जरदारी साहब को जनाब बिलावल भुट्टो साहब को जनाब मौलाना फजलरहन साहब को बी एन पी के जनाब अख्तर मैंगल साहब को बाप की जनाब सरदार खालिद मखी साहब को एम क्यू एम की जनाब खालद सदीकी साहब को और दो एन पी की जनाब एमवली साहब को और जनाब ये बैठे हैं ना जी मुझे आप बात मुकम्मल करने दें जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब को और अगर कोई नाम रह गया है तो मैं उनको भी अवैस्ट। मैं जी अवैध नारायण नौ साहब हैं मैं सबको दिल की अदहा कराई जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब को दिल की ग्राहियों से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये मखलूत तो हुकूमतें आज वो किसान पैकेज दिया है और इन अल्लाह ने चाह तो उसके ऊपर हरफ भरफ अमल करने की हदकदूर कोशिश की जाएगी इंसानी हद तक बाकी अल्लाह के हाथ में है ज़रूर कोई आएंगे चैलेंजेस उनको हम नगोशिएट करेंगे तो इन श्ला इससे जरिए मीशत चार से छः महीने में वो इतनी तोाना होगी कि पाकिस्तान की जो मीशत जो है उसको बेपना उसको तकवीद मिलेगी चाहे वो टेक्सटाइल है चाहे वो हमारी फ्लावर मिल्स हैं चाहे वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं चाहे वो हमारे जो चीनी जो खाते हैं और सब उनको बेपना उनको मिलेगी और आगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी अल्लाह ताली बढ़ाएगा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर जो हमारे वज्रार बैठे हैं सबका और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जो यहाँ पर वज्रार नहीं मौजूद उनका भी ऐसा इकवाल साहब जो मिनिस्टर प्लानिंग है इकनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ अफ कॉमर्स सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी से उन्होंने इसमें माबनत की और इस तरह जो मैंने वादा किया था कौम से कि हम किसान पैकेज ले कर आएंगे आज वो किसान पैकेज का ऐलान हो चुका है अल्लाह हमें हिम्मत दे और हमें तोफीक दे कि इस गरीब कौम की खिदमत करके इसको तवाना और पाकिस्तान को आलम में एक मजबूत तवाना मुल्क बनाया जा सके बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मेरी तवील सहाफती ज़िंदगी में मैं आज ये इतना खुश हूँ कि आपने मुल्क मीशत के लिए वो कसान पैकेज दिया जो क्या आपकी तहसीन का बहुत शुक्रिया लेकिन ये मेरा और हमारा हम सबका फ़र्ज़ था कि हम ये पाकिस्तान के हवाले से मीशत के हवाले से कर्ज हम चुकाते जो कि आज अलहमदिल्ला हमने एक हकीर ख़िदमत की अल्लाह इसमें अपनी कमाल मेहरबानी से बरकत डाले जो आपका सियासी सवाल है मैं आपको कल अगर कहीं चीन जाने से पहले जवाब दूंगा वो बेहतर होगा बगरना पता क्या होगा बगरना वो लाम आगे आ जाएगी और मीम पीछे चली जाएगी बहुत शुक्रिया आपका